सर बोध जी, आज के जो प्रोग्राम है इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा? मुख्य उद्देश्य ये रहा कि इस समय समाज बहुत दुखी है, हौसला उसका पस्त हो गया, क्योंकि जो शासक आए हैं यहाँ पर उनके दमनकारी नीतियों से परेशान हैं लोग। उनको ये बताने के लिए कि इनका दमन चक्र कितना भी भयंकर चले मगर हम अपने आंदोलन पर चलने से बाज आएंगे नहीं। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का जो आंदोलन है उसे अपनी जान हथेली पर रखकर चलने वाले लोग कितने हैं वो आज आपने देखा, जितने लोग आए 5 लाख लोग नहीं थे मगर जो उपस्थिति जिन लोगों की थी, जिस प्रकार के लोग थे, वो पूरा करते हैं हमारे उस लक्ष्य को। इसलिए आज का आयोजन ऐसे विपरीत समय में सफल होना बहुत बड़ी उपलब्धि है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन के प्रति लोगों की आस्था बहुत है, ये भी आज सिद्ध हो गया। सर किताबों में ये पढ़ाया जाता है कि जो शिक्षा की जननी है वो सरस्वती है और जो धन की वो देवी है वो लक्ष्मी है, लेकिन जब किताबों में पहली से लेकर और 10वीं 12वीं तक बच्चा ये पढ़ेगा तो धन का कहाँ से ध्यान रहेगा? ये तो सारा शासक जातियों का षड्यंत्र है और उन्होंने, आश्चर्य की बात यह है कि जो हमारे ही 99% लोग हैं, आदिवासी 99% लोग हैं, और आप जो बैकवर्ड लोग हैं उन सबों को ऐसी झूठी कहानियों में फंसाकर उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और हमारे लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उन्हीं से हम पर हमले कराए जा रहे हैं। तो ये बड़ी विचित्र घटना है और इसका मतलब ये है कि हम लोग आज तक भी अपनी जनता को समझा नहीं पाए, हम आज तक भी अपनी जनता को दोस्त और दुश्मन की पहचान करा नहीं पाए, ये उसका परिणाम है। पर झूठ हमेशा सफल नहीं होता, कुछ समय के लिए सफल हो जाता है। भगवान बुद्ध के आंदोलन को भरतरत मौर्य की हत्या के बाद बिल्कुल इन्होंने रसातल में पहुंचा दिया था और वो तो नाम ही बिल्कुल मिटा दिया था बौद्ध धर्म का। इस देश में अगर कोई कहता था बुद्ध कौन, कहते थे कोई चीनी बाबा है। तो वो ऐसा होने से जब इस देश में अंग्रेजों के आने से उत्खनन हुआ और सारा की सारी विरासत ब्रह्मी भाषा जब पढ़ी गई, बुद्ध भी प्रकट हुए, सम्राट अशोक की मानता भी प्रकट हुई, तो जब वो समय नहीं रह सका तो आज तो सारी दुनिया में तुरंत संचार जाता है। इसलिए इन्होंने संचार माध्यमों पर अपना कब्जा जमाया है। पहले इन्होंने संचार माध्यम बनाए, वो इनके अपने हैं, इन्होंने खरीदा नहीं है, इनके अपने बनाए हुए हैं। दिक्कत यह है कि जब हम अपना संचार खड़ा नहीं करते, जब आपने ये जो अपना समझू जो खड़ा किया है ये उस वैकल्पिक व्यवस्था आपने खड़ी की है। यदि हमारे जो ब्राह्मण पीड़ित जितने भी समाज हैं, जितने भी पार्टियां हैं, चाहे वो मुलायम सिंह है, चाहे मायावती है, चाहे शरद है, चाहे लालू है, ये कब मीडिया अपना लगाएंगे? हम मीडिया कर्मियों को कोसने के बजाय विकल्प खड़ा कब करेंगे? और जब तक हमारे विकल्प खड़ा नहीं होगा, हमारे जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो एक पुलिस वाला है, चाहे वो एक बाबू है, चाहे वो IAS अफसर है, उनके ऊपर हर समय खतरे की तलवार लटकी रहती है। ये व्यवस्था ऐसी बनी रहेगी। इसलिए आओ अपने सारे मतभेदों को भूल कर आज संघर्ष में यकीन करो। संघ अभी तक तो हम क्या कर रहे हैं, संघ का रस निकाल रहे हैं, मगर संघ का रस निकालने से बात नहीं बनेगी, संगठित होकर संघर्ष करने से बात बनेगी। और जब जनता आती है करोड़ों की तादाद में आती है, चाहे वो अन्ना हजारे का आंदोलन रहा हो, चाहे वो ढोंगी बाबा गांधी का नमक सत्याग्रह रहा हो, वो भीड़ की ही भूमिका थी। और भीड़ टाटा बिरला की औलाद नहीं होती, भीड़ शांति स्वरूप बोध की और आपके चैनल के मानने वालों की औलाद होती है। हम अपनी औलाद को अपने काबू में कर लें, जिनकी अकल दुश्मनों के काबू में है तो आंदोलन सफल होने में देर नहीं लगेगी। धन्यवाद सर।